हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमारा कोकोनट डोसा अच्छा लगा। तो आज कुछ नया सीखें। आज बनाएंगे हम क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट का कच्चा वाला जो होता है उसे कटहल, कटहल कहते हैं। उसकी हम आज बिरयानी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। देखिए, मैं इतना तामझाम नहीं करती, पूरा सिंपल वे में जैसे मैं घर पे बनाती हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। एक ग्लास में 1 ग्लास चावल लेंगे, यानी कि हाफ किलो। हाफ किलो चावल के लिए हम 250 ग्राम कटहल लेंगे। इस चावल को हम अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे जो उसका पानी सोख जाए, और कटहल को छोटे छोटे पीस से इसमें काट कर उसे पानी और नमक डाल के 1 सीटी दे देंगे। और दूसरी तरफ हम चावल को ड्राई रोस्ट करने के लिए डाल देंगे। देखिए अब कितना वाइट है, इसे फ्राई कर करके वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आएगा। इसमें थोड़ा तेल भी डालेंगे, इसे बीच बीच में हिलाते चलाते रहेंगे। देखिए कितना सूखा हो गया है। अब कटहल को बॉईल हो चुका है, अब इसे हम छलनी में ठंडा करेंगे। आलू को हम बॉईल करेंगे आलू रायता बनाने के लिए। नमक डाल के आलू रायता बनाएंगे। दूसरी तरफ चावल को भी चलाते रहेंगे। चावल को बनने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। चावल जितनी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट होगा, पुलाव बिरयानी हमारा उतना खिला खिला बनेगा। अब चलिए एक कुकर में ऑयल डालते हैं, और मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और 4 हरी मिर्च काट कर रखी है। तेल गरम हो चुका है, और उसमें हम दालचीनी और छोटी इलायची डालेंगे। तेज पत्ता भी डलेगा, पर वो नहीं है घर में, अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने डाला नहीं है। उसे वो थोड़ा चटकने लगेगा, तभी उसके बाद हम उसमें प्याज डालेंगे। थोड़ा थोड़ा गर्म करके डालेंगे। तेल गर्म होगा तो ऊपर तेल आएगा, अगर ज़ोर से डालेंगे तो हम केयरफुली करना होगा बस। और थोड़ा डालेंगे, हाँ। अब हरी मिर्ची डालेंगे, हाँ। अब उसे थोड़ा के चलाते रहेंगे। इसे 2 मिनट तक फ्राई करना होगा बस। चावल तो हमारा रेडी है। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बीच बीच में प्याज को चलाते रहना होगा, वरना वो जल जाएगा नीचे की तरफ से। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर हम प्याज से पहले डालेंगे तो वो जल जाएगा, इसीलिए प्याज पर ही डालना होगा। अगर घर में बना हुआ होगा तो वो ऑनियन से पहले हम डाल सकते हैं। इसे थोड़ा चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे अब टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह फ्राई करना होगा। थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के इसे चलाते रहें बस, हो गया। अब डालेंगे हम इसमें कटहल। कटहल को 5 से 7 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा शेक हो रहा है, हाँ। बस देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है कटहल का। थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। उसके बाद इस ग्लास में चावल लिया था, उसी ग्लास में 2.5 वाटर डालेंगे। मैंने वाटर निकाल के रखा था एक बर्तन में, उसे मैंने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चिकन मसाला। अब इसमें चावल और नमक डालेंगे। वो नमक डालने वाला मैंने सूट नहीं किया, सॉरी। हाँ, इसे चलाएंगे और मिक्स कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार डलेगा बस। अब इसे हम ढक देंगे, बॉयल होगा तो तब हम इसका ढक्कन बंद करके 2 सीटियाँ देंगे, हाई में 2 सीटियाँ देंगे। वो पोटैटो बॉयल हो चुका है, अब उसे हम छलनी में निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद छील देंगे। मैंने
ऑनियन और दो ग्रीन चिलीज छोटे छोटे बारीकी छोटे छोटे से काट दिया है। दही भी डालेंगे हम। आलू को छील लिया है। अब आलू को हम नमक, ऑनियन, ग्रीन चिली और दही 4 से 5 टेबलस्पून डालेंगे। खट्टा नहीं, फ्रेश दही जो पैकेट में आता है ना, वो दही डालेंगे। स्मैशर से स्मैश करेंगे। मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर कुछ फिसल रहा है। मैं इसे फॉक से कर दूँगी, इसे रख देती हूँ, फॉक से कर दूँगी तो अच्छे से होगा। देखिए कितना अच्छे से हो गया। आज पता नहीं क्यों स्मैशर से नहीं हुआ। इसमें हम पानी डालेंगे, इसे थोड़ा पतला बनाएंगे। बस देखिए कितना पतला बना है। हमें हमारे घर में थोड़ा पतला ही पसंद है, थोड़ा ग्रेवी की तरह। देखिए हाँ, कुकर का भाप चला गया है। चल निकाल के देखते हैं कैसा बना है। बहुत अच्छी तरह बना है, शायद खिला खिला ही लग रहा है। अब चलिए परोसते हैं हम यमी यमी कटहल की बिरयानी और आलू रायता। आप भी बना कर चखिए, बहुत टेस्टी है। जो सारे आइटम्स घर पे अवेलेबल होते हैं उसी से ही मैं कुछ भी बनाती हूँ। मुझे प्रॉपर ये नहीं, मैं सोचती कभी कि ये आइटम नहीं है, वो आइटम नहीं है, अभी उसमें तेज पत्ता भी डलता, पर वो नहीं था, फिर भी चलेगा। अगर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो उसका फ्लेवर ऐड नहीं होगा तो इसका कुछ और ही फ्लेवर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, ये होगा तो होगा। बस घर पे जो होता है मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आपको दिखाती हूँ। मेरा मोबाइल थोड़ा शेक हो रहा है क्योंकि मैं सिंगल हैंड में, एक हैंड में मोबाइल को पकड़ के रखती हूँ और दूसरे हैंड में दूसरी तरफ में फ्रंट कैमरा बैक कैमरा करती रहती हूँ, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा कोपअप कीजिए। और हाँ, मेरा अगर कटहल की बिरयानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे गलतियाँ अच्छा या मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मुझे कोई गलती होगी तो मैं इम्प्रूव करूँगी ना। ओके, बाय।